आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेमोफीलिया और एंड अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, कि अगर बहुत दफ़ा ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आपका खून रुकता नहीं है, लेकिन क्या वजूहत होती हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर मुनीरा बुरहानी इसका डॉक्टर मुनीरा बुरहानी मुनीरा बुरहानी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं, और इन्होंने MBBS, MCPS, FCPS इन्होंने हाइम से किया है, और FRCP इन्होंने एडन से किया है, और FRCPS PATH इन्होंने UK से किया है। और माशाल्लाह से मैं डॉक्टर मुनीरा को कह रही थी कि इतनी सारी डिग्रीज़ हैं आपके पास, और कितना पढ़ना पड़ता है एक डॉक्टर को, एक अच्छा बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो फिर डॉक्टर मुनीरा, हम बहुत दफ़ा ऐसे भी कह देते हैं कि जी आप हमें बताएं जी सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो डॉक्टर सारे बेहतरीन होते हैं। सलामुअलैकुम डॉक्टर मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच कैसी हैं आप आपका। डॉक्टर मुनीरा? अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत ठीक हूँ। डॉक्टर मुनीरा, आज का बहुत अहम टॉपिक है हेमोफीलिया, मेरे लिए भी एक नया टॉपिक होगा ये। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये हेमोफीलिया क्या चीज़ है, और ये खून की कौन सी बीमारी है, मैं हमारे सामीन इसको जानना चाहेंगे। देखिए, हीमोफीलिया एक मौरूसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाए हैं जिसमें उनका काम है खून को जमाना, रोकना। हम सबको चोट लगती रहती है, आपको भी पता है, खास तौर पे बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, फिर चोट लगती है, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स हीमोफीलिया के होते हैं उनके अंदर ये होता है, चूंकि उनके अंदर प्रोटीन्स की कमी होती है, फैक्टर 8 खास तौर पे, हीमोफीलिया ए कहते हैं जिसको, या हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी को कहते हैं। इन प्रोटीन्स की कमी की वजह से इनका खून जमता नहीं है, इनका खून बहता रहता है, इस वजह से इनको हम मौरूसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं, और इनका अगर वक्त पे इलाज ना हो तो ये जानलेवा हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हेमोफीलिया है ये यूजली किन लोगों में हम देखते हैं, किन लोगों में होता है ये? देखिए, हम हीमोफीलिया अमूमन मेल्स में होता है, यानी बच्चों में, लड़कों में पाया जाता है। ख्वातीन में बहुत कम होता है, लेकिन ख्वातीन में दूसरे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिसमें वॉन विलिब्रेंट डिजीज, हीमोफीलिया से मिलती जुलती बीमारी है, वो भी ब्लीडिंग का ही मसला होता है, वो भी एक प्रोटीन की कमी है, वो फीमेल्स में हो सकती है। इसी तरह रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, क्योंकि हमारे यहाँ खानदान में शादियां करने का बहुत ज्यादा रिवाज है, आपस में खानदान की शादियों की वजह से ये जो मौरूसी बीमारियां होती हैं जिसमें रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं, ये भी कॉमन है, और ये मर्द और खवातीन इक्वली हो सकते हैं उनके ठीक अंदर। है, तो इसमें भी हीमोफीलिया की कुछ टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ? जी हाँ, बिल्कुल। माइल्ड मॉडरेट सीवियर होती है, जितना फैक्टर कम होगा इतना ज़्यादा सीवियरिटी ज़्यादा होगी, यानी अगर फैक्टर 8 की कमी या फैक्टर 9 की कमी या दूसरे फैक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा है, less than 1% है, तो हम उसको सीवियर कहेंगे। मॉडरेट का मतलब है 1% से 5% तक, और माइल्ड का मतलब है 5 से ज़्यादा, और 30% से जो नॉर्मल रेंज है उससे। अच्छा, और इसके अगर हम मेन वजूहात की बात करें तो हम बस इसको एक मेन इनहेरिटेड ही या उसको मौरूसी देखें, है, और मौरूसी उसका मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ खानदान में बहुत सारी शादियां होती हैं, माँ बाप को कभी डायग्नोस नहीं हुआ, पता नहीं है, ठीक है, और बच्चों में जब ये डायग्नोस होता है तो फिर ये मसले और मुश्किलात सामने नजर आती हैं, और जितना ज्यादा सीवियर होगा वो जल्दी डायग्नोस होगा, जितना ज्यादा कम सीवियर होगा वो कम डायग्नोस होगा, लोग उसको पता ही नहीं होता, उसको एक नॉर्मल रूटीन की तरह ले रहे होते हैं। बिल्कुल। तो क्या सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर मुनीरा इसके, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें हमें कट्स भी लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के, तो कैसे, क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें इस पे फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, ब्लीडिंग कहीं से भी हम सबको होती है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि वो थोड़ी देर में, 5 मिनट से मुश्किल से, या 10 मिनट में वो बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो मुस्तकिल बहता रहे। बिल्कुल। लेकिन ये जो पेशेंट्स हीमोफीलिया के या अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के होते हैं, उनके अंदर चूंकि उनका खून पतला होता है, उनके अंदर क्लॉटिंग नहीं होती, खून नहीं जम रहा होता, इस वजह से उनकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, और ये ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, इनके सिम्टम्स कहीं से भी हो सकते हैं, जैसे चोट लग गई वहां से ब्लीडिंग हो गई, नाक से ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग, फिर खास तौर पे हमारे यहाँ सुन्नत,
मेल्स में जब सुन्नत हो रही होती है तो इनकी अगर पता ना हो कि डायग्नोसिस ना हो तो वो सुन्नत के टाइम पे उनकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, मुस्तकिल बहती रहती है मेल्स में. इसी तरह फीमेल्स में जो हर महीने का एक मंथली साइकिल होता है मेंसेस, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना ये बहुत मसला है. इसी तरह फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग रुकती नहीं है, जिसको हम खास तौर पे पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं, जिसमें ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है खास तौर पे. इसी तरह बच्चों में चोट लगती है तो निशान बन जाते हैं, बड़े बड़े नील जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल ब्रूजेस पड़ते हैं. तो ये सब चीजें एबनॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है कहीं कहीं पे भी. तो इस वजह से जब भी ऐसे कोई अलामात हो, सिम्टम्स हो और आप देख रहे हैं कि खून बंद नहीं हो रहा चोट की वजह से या किसी और चीज की वजह से, तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए. सही, बिल्कुल. तो यूजली जाहिर है जब हमें छुरी से या कोई भी ऐसा कट कर जाता है तो थोड़ी सी देर में बंद भी हो जाता है. बिल्कुल ठीक. तो अच्छा, जैसे बहुत दफ़ा इस तरह भी होता है कि हम डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई ब्लीडिंग का मसला होता है, तो क्या उससे भी पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है. अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स रेफर हो रहे होते हैं वो डेंटिस्ट के थ्रू भी हो रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों में क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हुई भी होती है, पता नहीं होता है. और जब अगर कोई डेंटल प्रोसीजर हो या दांत निकाला हुआ हो तो थोड़ी बहुत तो ब्लीडिंग सबको होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है कि वो रुकती नहीं है. कुछ भी कर ले डॉक्टर्स, कुछ भी नहीं, उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी जब तक कि उनकी फौरन तशखीस ना हो और जिस चीज़ की कमी हो वो फैक्टर ना प्रोवाइड किया जाए. सही. ये एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है तो इसके लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन दी जाती है. अच्छा डॉक्टर, मुझे बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोगों को यूरिन या स्टूल के अंदर भी ब्लीडिंग होती है. बिल्कुल. तो क्या ये भी एक बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है, यूरिन में ब्लड आना, स्टूल में ब्लड आना. मैंने आपसे कहा ना कहीं से भी ब्लीडिंग होना. अगर गैर मामूली तौर पे किसी को इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो फौरन अपने टेस्ट करवाएं खून के, ताकि उनकी बीमारी के अलामात के हिसाब से डायग्नोसिस हो सके. अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर हम कहें कि हमें नहीं पता कि हमें ये बीमारी है लेकिन हम अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहते हैं, नॉर्मल सारे उससे भी प्रिक होता है तो खून निकलता है या वैक्सीनेशन होती हैं, तो उसमें भी कोई ख़तरा हो सकता है? बिल्कुल, अगर उसको उस जगह को प्रॉपरली रोका ना जाए तो वहाँ से भी, उस साइड से जहाँ से पंक्चर हुआ है वहाँ से भी ब्लीडिंग मुस्तकिल होना शुरू हो जाती है और वहाँ बड़े बड़े ब्रूजेस, बड़े बड़े निशान बन जाते हैं और वहाँ से मुस्तकिल ब्लीडिंग होती है. बिल्कुल, और यूजली ऐसा देखा भी गया है कि हॉस्पिटल्स में कभी आपको ड्रिप्स लग रही हैं कुछ हैं, तो कुछ लोगों तो कुछ नहीं होता, कुछ लोगों को इतने बड़े बड़े ब्रूजेस नील पड़ जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा डॉक्टर मुनीरा, अगर बच्चों के अंदर पेन, स्वेलिंग और टाइटनेस हो जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर, तो हम उसको भी ऐसा सिम्टम? बिल्कुल, जॉइंट ब्लीडिंग हीमोफीलिया में खासतौर पर बहुत अहम है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है और छोटे बच्चे खासतौर पे जब चलना शुरू करते हैं वो गिरते हैं, बार बार उठते हैं, तो उनके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं. तो हीमोफीलिया में एक ब्लीडिंग जो है जॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, तो उसको ज़रूर देखना चाहिए. और मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, चिड़चिड़ा है, तो खाना पीना नहीं खा रहा है, सफ़ेद हो रहा है, पीलापन हो रहा है, तो अपने बच्चों को ज़रूर देखें, उसका मुआयना करें और अपने फिर बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाएं और जाके फिर उनको दिखाएं, और अगर वो समझेंगे तो फिर वो आपके टेस्ट करवाएंगे, फिर ब्लड के डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें. बिल्कुल बिल्कुल, आपसे यही कह रही हूँ कि आई थिंक बच्चों के अंदर वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप को नॉर्मल लगती हैं कि ये तो ठीक है, बच्चा रो रहा है, कोई और वजह भी हो सकती है इसकी. अच्छा डॉक्टर मुनीरा, क्या ये बीमारी जो है एक से दूसरे से लग सकती है? नहीं, ये मौरूसी बीमारी है, ये लगने वाली बीमारी नहीं है, ये फ्लू की तरह नहीं है, ये कोविड की तरह नहीं है, ठीक है, ये लगने वाली नहीं है, ये मौरूसी है, ये हमारे अंदर हमारे माँ बाप से हम इनहेरिट करते हैं. बिल्कुल. अच्छा, तो इसके कोई कोई टेस्ट भी होते हैं, हम इसको डायग्नोस कैसे करें, मतलब किस पॉइंट पे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि ब्लीडिंग हो रही है और कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, रुक नहीं रही है, ठीक है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, खासतौर पे बच्चे,
तो हमें फौरन ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए. और ब्लड टेस्ट बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, कोई बहुत ज्यादा महंगे ब्लड टेस्ट नहीं है. सीबीसी का एक ब्लड टेस्ट है, ठीक है, कोगुलेशन के टेस्ट है जिसमें पीटी एपीटीटी आता है, जिससे हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को देखते हैं. अगर वो डीरेंज आते हैं तो फिर हम फैक्टर जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं उसके टेस्ट करते हैं उसके डायग्नोसिस करने के लिए. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर मुनीरा, जैसे हम जैसे आपने कहा ना कि ये मौरूसी बीमारी है, तो जब आपके बच्चे पैदा हो तो क्या आपको उस वक्त ही उनके टेस्ट करा लेने चाहिए कि अगर आपको पता है कि आपको ये बीमारी है? देखिए बहुत दफ़ा ख़ानदान में लोगों को पता होता है लेकिन लोग बताते नहीं है. अगर ऐसी बात है और आप देख रहे हैं बच्चे के अंदर सिम्टम्स हैं तो फौरन ज़रूर टेस्ट करवाएं. लेकिन अगर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है तो फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फिर बाद में होते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है टेस्ट की. ठीक है. और समटाइम जैसे मैं इसको थोड़ा सा स्टडी करी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जी इसको कोई रॉयल डिजीज भी कहते हैं. क्या बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल. में कोई ऐसे बड़े लोग हैं जिनको ये बीमारियां थी? बिल्कुल. 19th सेंचुरी में क्वीन विक्टोरिया, इन्होंने अपने बेटे को मुंतकिल की थी हीमोफीलिया. अच्छा. और इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिलीज में पाई जाती थी. इसको बच्चे को हीमोफीलिया बी था, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी, और ये रॉयल फैमिलीज ऑफ लंदन में था, जर्मनी में था, ये बहुत सारे यूरोप की फैमिलीज में ये डिजीजेस पाई जाती थी. और फिर वहाँ से इन्होंने तहकीकात की, फिर डायग्नोसिस की और फिर बहुत सारा उस पर काम किया. और अब इस बीमारी को वो हथहत्ता के अब जेनेटिक टेस्टिंग करके वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. जीन थेरेपी हो रही है बाहर के मुल्कों में. अच्छा, रियली? मतलब इसकी मतलब इलाज, जब हमने डायग्नोज कर दिया तो इसमें इलाज क्या होता है? जैसे आपने कहा ना कि टाइप्स हैं, तो हर टाइप का अलग इलाज है. देखिए टाइप्स का मतलब ये होता है कि जिस फैक्टर की कमी है उसको वो फैक्टर प्रोवाइड किया जाए. जैसे लाइफ सेविंग दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती हैं, तो इसका ये फैक्टर पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसको बनाया जाता है उसके डाइल्यूएंट के साथ और फौरन लगाया जाता है. आईवी लगता है, ये मसल्स में नहीं लगता क्योंकि खून वैसे ही पतला है. खून पतला करने वाली कोई दवाई नहीं दी जा सकती इन बच्चों को. इसी तरह कोई इंजेक्शन गोश में नहीं लग सकते इन बच्चों को या इन बड़ों को, पेशेंट्स को. तो इसमें नस में ये इंजेक्शन लगता है, लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है, इसको फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स किए जाते कहते हैं. लेकिन प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में ये है कि हमारे मुल्क में बहुत कम फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स रजिस्टर्ड है. गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास कि ये फैक्टर्स अवेलेबल हो. और चूँकि फैक्टर्स रजिस्टर्ड नहीं है तो प्राइजेस भी ज़्यादा है और ये पेशेंट्स को बार बार ज़रूरत पड़ती है. ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है, बार बार मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है. तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि हम ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, जिसको हम येलो पार्ट कहते हैं, पानी वाला हिस्सा, ठीक है, तो हम वो ब्लड से निकाल के इन पेशेंट्स में ट्रांसफ्यूज करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं इनकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए. ठीक है. यानी इनको लाइफ टाइम हम कहें कि इनको डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल कनेक्टेड, बिल्कुल कनेक्टेड रहना पड़ता है. इसीलिए हमने एक हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई है नाजमाबाद पे. ये एक एनजीओ बेस्ड सोसाइटी है जहां हम फ्री इलाज करते हैं जितने भी हीमोफीलिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स को रजिस्टर करके. सही. तो इस वक्त हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कितने मरीज उस पर हो? देखिए अगर इसका प्रिविलेंस देखा जाए जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की तरफ से है, तो उसका मतलब ये है कि हर 1 लाख के ऊपर जितने मेल्स पैदा हो रहे हैं तो 21 पेशेंट्स ऑफ हीमोफीलिया होना चाहिए. ठीक है, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर. क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ चूंकि डायग्नोसिस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, ठीक है, बहुत सारे जगहों पे टेस्ट अवेलेबल नहीं है. क्योंकि बड़े शहरों में जैसे कराची वाले शहर है जहाँ तो टेस्ट हो जाते हैं, पेशेंट्स आ जाते हैं, रेफर हो जाते हैं, लेकिन हमारे इंटीरियर में ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे सेहत की फैसिलिटीज नहीं है, तो वहाँ पेशेंट्स डायग्नोस ही नहीं होते. खासतौर पर खवातीन, फीमेल्स, जो बेचारी इस बीमारी में ही बेचारी इंतकाल हो जाता है, खासतौर पर डिलीवरीज के बाद, प्रेगनेंसीज में. तो एक अंदाजे के मुताबिक जितनी हमारी पॉपुलेशन है, यानी 22 करोड़ आवाम में 25,000 हीमोफीलिया के पेशेंट्स होने चाहिए. बहुत बड़ी क्वांटिटी
ڈائریکٹلی بتا رہی ہوں ڈاکٹر منیرا. اچھا ڈاکٹر منیرا, مطلب اگر ایک خاتون سمجھیں, جیسے آپ نے کہا کہ خاتونوں کے خواتین میں اس کی پرسنٹیج کم ہے, لیکن اگر خواتین پریگننٹ ہے یا حمل ہے اس کو, یا اس کو پلان کر رہی ہے اور اس کو یہ بیماری ہے, تو کیا اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ بالکل رجوع کرنا چاہیے, اسپیشلی رجوع کرنا چاہیے, اور اپنی گائناکولوجسٹ کو بھی بتانا چاہیے کہ اس کو خون کو یہ مسئلہ ہے, تاکہ کلوز کوآرڈینیشن بنے ڈاکٹرز کے درمیان, جہاں ہیماٹولوجسٹ بھی ہو گائناکولوجسٹ بھی ہو, تاکہ اس بچے کے ساتھ ساتھ اس ماں کی زندگی کو بھی بچایا جا سکے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, بہت ساری اس پہ متھس بھی سننے کو آتی ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو ہیموفیلیا ہے تو وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا, گیمس نہیں کھیل سکتا, تو اس طرح صحیح ہے یہ بات؟ نہیں نہیں, بالکل بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں, آپ بچے کو جتنا نارمل رکھیں گے, اس کی فزیکل ایکٹیویٹی اس کی مینٹل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ اور جتنا آپ اس کو اوائڈ کریں گے, اس سے بچائیں گے, تو یہ ہوگا کہ وہ بچہ اپنے آپ کو سمجھے گا, پتہ نہیں مجھے کون سی ایسی بیماری ہے, میں نارمل بچہ نہیں ہوں. پھر اس کے اندر وہ اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم ان بچوں میں جن کی سیویئرٹی زیادہ ہوتی ہے, فیکٹر کی کمی زیادہ ہوتی ہے, تو ہم پروفائلیکسس دیتے ہیں. پروفائلیکسس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ریگولر فیکٹر کی کانسنٹریٹ جو ہے ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے, تاکہ ان کا فیکٹر لیول بڑھایا جائے, تاکہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکے, نارمل زندگی گزار سکے. ہم صرف پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز جو ہے اس سے اوائڈ کریں جس میں چوٹ لگنے کا خطرہ ہے بہت زیادہ, جیسے ہاکی کھیلنا ہے, کرکٹ کھیلنا ہے جس سے چوٹ لگتی ہے, سوئمنگ کر سکتے ہیں یہ بچے, ٹینس کھیل سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہلکے پھلکے سارے گیمز کھیل سکتے ہیں, اور پڑھ سکتے ہیں. پڑھائی کرنا منع نہیں. ہمارے یہاں ماں باپ اکثر یہ کہتے ہیں اسکول نہیں بھیجنا ہے, اکثر ماں باپ یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, اسکول بھیجیں آپ اپنے بچے کو. لیکن ڈاکٹر منیرا, ایک خوف ہے نا, دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایسے پیشنٹ پوری زندگی میں اس کو کوئی کٹ نہیں لگے گا, کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے, ہم چلتے پھرتے کہیں جا رہے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے پاؤں میں کچھ لگ جاتا ہے, کہیں ہاتھ میں لگ جاتا ہے, کچھ کہیں سے بھی کٹ لگ جاتا ہے, پیپر سے کٹ لگ جاتا ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ بچہ یا لڑکا اگر وہ میڈیسنس لے رہا ہے, علاج ہو رہا ہے, تو کیا تب بھی بلیڈنگ ہو تو اس پہ کنٹرول نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں, اگر وہ بچہ پراپرلی علاج لے رہا ہے, اور پیرنٹس کی ہم ایجوکیشن ضرور امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, کیونکہ ظاہری بات ہے بچہ بھی امیچیور ہے, اس کو نہیں پتا. لیکن اگر آپ پیرنٹس کی ایجوکیشن کر رہے ہیں, ان کی پراپر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو اسکول میں جا رہے ہیں ان کی ٹیچرس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بچے کو چوٹ لگے تو آپ نے فوراً جو ہے برف کی سکائی کرنی ہے, پریشر دینا ہے وہاں پر, بینڈیج کر دینا ہے, ٹھیک ہے, فیکٹر اس کو لگا دینا ہے, اور اگر وہ پروفائلیکسس پہ ہے تو اس کا ڈوز جو ہے پراپرلی دینا ہے تاکہ اس کی بلیڈنگ رک جائے. اگر بلیڈنگ ہوگی بھی تو بہت ہلکی پھلکی ہوگی, ایک نارمل بچے کی طرح ہوگی. صحیح, بالکل.